कुहू को आराम से बेड पर सोता देखकर पीहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से एक रूम के अंदर आ गई। होने के छोटे से चेहरे पर हाथ फेरा। उसके दिमाग में अभी भी जो कुछ भी उसने सपने में देखा था सब कुछ घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे दूर हो रही हो। पीहू ने कुहू के पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहा, मम्मा आपको कुछ भी नहीं होने देगी बेबी, चाहे मम्मा को इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रूम के अंदर वसुधा जी भी आ गई। उन्होंने पीहू की तरफ देखा जो कुहू के चेहरे की तरफ देखकर लगातार रो रही थी। वह धीरे से चलकर पीहू के पास आए। उन्होंने पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पीहू क्या हुआ है, आप इतनी क्यों घबरा रही हो। पीहू ने वसुधा जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, दादी मैंने देखा कि वंश ने मेरी बच्ची को कुछ कर दिया है और वह इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी दादी, मैं बिना कुहू के नहीं जी सकती, मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन है। पीहू की बात सुनकर वसुधा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पीहू हमारे साथ भगवान है और कोई चाह कर भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों की जान बसती है एक दूसरे के अंदर। भगवान इतने बुरे भी नहीं है कि एक माँ को बेटी से और एक बेटी को माँ से अलग करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था और बुरे सपने हम हजारों देखे हैं। जरूरी तो नहीं कि हम हर एक सपने को अपने दिल में बसा कर इस तरह से डरते रहे। वसुधा जी की बात सुनकर पीहू ने कुछ नहीं कहा और कुहू के छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद करके वंश के चेहरे को याद किया। उसके दिमाग में बार बार वंश के शब्द गूंज रहे थे, मैं तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तुम में से कोई खुशी से नहीं जिएगा, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम भी बर्बाद होकर रहोगे। पीहू ने मन ही मन कहा, वंश राठौर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे मेरे अक्षु पर भरोसा है। 6 महीने बाद मल्होत्रा मेंशन। 6 महीने में काफी कुछ बदल चुका था। वंश का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वंश कहाँ है सिवाय अक्षय के। पीहू पूरी तरह से वंश को भूल चुकी थी। पीहू की फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस प्रमोशन और रिलीज डेट बाकी थी। आज मल्होत्रा मेंशन में काफी चहल पहल का माहौल था, क्योंकि आज विवान का परिवार अवनी को देखने के लिए आ रहा था। अवनी और विवान के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अवनी ने आखिर में विवान को माफ कर ही दिया था, क्योंकि वह दिल से विवान को कभी नहीं भूल पाती और जो प्यार अवनी के दिल में विवान के लिए था वह प्यार देखकर अमन ने खुद अवनी का हाथ विवान के हाथ में देकर अवनी से कहा कि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अमन और विवान भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस वक्त अवनी के रूप में अवनी बेड पर गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। वही पीहू उसे देखकर हंस रही थी। कृपा जी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अवनी को घूर रही थी। संगीता जी एक कोने में बेड पर बैठकर चिप्स खा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वसुधा जी अंदर आई। उन्होंने कमरे के अंदर के नजारे को देखकर अपनी सारी बहू को डांटे हुए कहा, तुम लोग कब सुधरोगी। वसुधा जी की बात सुनकर कृपा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, माँ देखी ना, यह नालायक लड़की साड़ी पहनने को तैयार नहीं है। इसके होने वाले ससुराल वाले इसे देखने के लिए आ रहे हैं और यह नालायक कह रही है कि यह जीन्स टॉप पहने की। कृपा जी की बात सुनकर वसुधा जी ने अवनी की तरफ देखा जो इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और ग्रे कलर के शॉर्ट्स पहनकर बैठी हुई थी। वसुधा जी ने अवनी को घूरते हुए कहा, अवनी की ये क्या है, आज तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं वह भी पहली बार और तुम इस तरह से नाटक कर रही हो। वसुधा जी की बात सुनकर अवनी ने कहा, पर दादी मुझे साड़ी में चलना नहीं आता, आप क्या चाहती हैं, मैं अपने होने वाले ससुराल वालों के सामने धड़ाम से जमीन पर गिर जाऊं। अवनी की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, इसलिए तो कहती थी कि साड़ी पहनकर देख लिया कर, अब देखे भगवान क्या होगा इस लड़की का। वसुधा जी की बात सुनकर अवनी ने एटीट्यूड से कहा, क्या होगा, मेरे 2-3 क्यूट से बच्चे होंगे जो मेरी तरह इंटेलिजेंट होंगे। अवनी की बात सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगी।
तभी रूम का दरवाजा खुला और छोटी सी कुहू अंदर आई। कुहू अब 6 साल की हो चुकी थी। उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई थी। उसने इस वक्त क्यूट सी पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल बाबी डॉल लग रही थी। कुहू ने अंदर के नज़ारे को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आप में से किसी को अकल नहीं है, होने वाले फूफा जी आते होंगे और आप सब लोग यहाँ पर टाइम पास कर रही हो और अवनी हुआ, आप इतनी बड़ी हो गई, आपको कुछ समझ नहीं आता, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुहू ने ऑर्डर देते हुए कहा। कुहू की बात सुनकर अवनी ने मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम नालायक लड़की, इतनी छोटी होकर मुझ पर हुक्म चल रही हो, पता नहीं बड़ी होकर क्या करोगी, हिटलर की बेटी। हिटलर अवनी की बात सुनकर कुहू ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ठीक है, मैं डैडी को बता दूंगी, आपने उन्हें और मुझे हिटलर कहाँ है, पर डैडी आपको बताएंगे कि हिटलर कैसा होता है। कुहू की बात सुनकर अवनी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ मुझे छोड़ दे, तू और तेरा बाप दोनों सब पर हुक्म चलते रहो। अवनी की बात सुनकर कुहू ने कहा, ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगी, आप तैयार हो जाओ जल्दी। इतना कहकर उसने पीहू की तरफ देखा, जो अभी भी हंस रही थी। कुहू दौड़ते हुए जाकर सीधा पीहू के पैरों से लिपट गई। पीहू ने कुहू की तरफ देखा और उसे नीचे झुककर गोद में उठाकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्या हुआ बेबी। कुहू ने मासूमियत से पीहू के सीने पर अपना कर रखते हुए कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है। पीहू ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर आपने कुछ खाया क्यों नहीं। कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे आपके हाथ का पास्ता खाना है। कुहू की बात सुनकर पीहू ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए बना देता हूँ, पहले मैं बुआ को तैयार होने में मदद कर देता हूँ। पीहू की बात सुनकर अवनी ने कहा, भाभी आप जाए इस छोटा शैतान के लिए पास्ता बना लीजिए, मुझे साड़ी पहनी आती है, बस मुझे साड़ी में चलना नहीं आता। अवनी की बात सुनकर पीहू ने अपना सर हिलाया और कुहू का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लिविंग रूम में काफी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि आज विवान जिंदल और उसके पापा मम्मी उसके बड़े भाई अवनी को देखने के लिए आ रहे थे। अवनी मल्होत्रा परिवार की इकलौती बेटी थी, तो ऐसे में उसकी शादी के लिए मल्होत्रा फैमिली कैसे एक्साइट ना होती। आज सात्विक, साहिल, अक्षय सभी घर पर ही थे। साहिल की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। साहिल की शादी आज से ठीक 15 दिन बाद थी। अभी सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे कि तभी लिविंग रूम के दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। बल्कि आवाज सुनकर ओम जी ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने विवान के पापा राम जिंदल और उसकी माँ साक्षी जिंदल दिखाई दी। साथ में विवान का बड़ा भाई अयान जिंदल और अयान की बीवी आयशा जिंदल खड़ी थी। साहिल ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंदर आइए। विवान, उसके पापा, मम्मी, भैया और भाभी सब लोग अंदर आ गए। ओम जी, संजय जी, करण जी, अक्षय, सात्विक सभी ने उन लोगों का स्वागत किया। सब लोग लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठ गए। विवान की माँ साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हम आपके जितने उम्मीद तो नहीं है, पर उम्मीद है कि आपको हमारा बेटा जरूर पसंद आएगा। साक्षी जी की बात सुनकर ओम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी ऐसा मत कहिए, अगर रिश्ते पैसों से तोड़ने लग जाए तो दुनिया में कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं, सब पैसों के दम पर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। पैसा क्या है, हाथ की महल है, जरूरी नहीं कि आज हम जिस मुकाम पर है आगे भी इस मुकाम पर रहे, पर रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं, अगर दिल से निभाया जाए तो पैसा आता जाता रहता है। ओम जी की बात सुनकर जिंदल परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिंदल परिवार भी कोई मामूली परिवार नहीं था, पर मल्होत्रा के सामने वो काफी छोटे थे। तभी आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कहाँ है हमारे विवान की होने वाली दुल्हन। आयशा की बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले ही उन लोगों
को सीडीओ से आवाज सुनाई दी, मैं आ रही हूँ। सब लोगों ने पलट कर देखा तो अवनी ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन की शिफॉन की साड़ी पहनकर नीचे आ रही थी। अवनी के बगल में ही पीहू चल रही थी। अवनी ने चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था और वह इस वक्त कयामत। उसके खुले लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह अपने ससुराल वालों को देखकर नर्वस फील कर रही हो। उल्टा उसके चेहरे की मुस्कुराहट उन लोगों को देखकर और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वही साहिल और सात्विक ने अपनी बहन की हरकतें देखकर अपने सर पर हाथ रख लिया था। उनकी बहन का भी नहीं सुधर सकती यह बात वह दोनों अच्छे से जानते थे। कुछ देर में अवनी चलकर सभी लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। संगीता जी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अवनी बेटा विवान के परिवार वालों को नाश्ता सर्व करो। संगीता जी की बात सुनकर अवनी कुछ कहती उससे पहले ही साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी हमें बेटी चाहिए बहू नहीं, इसलिए प्लीज आप इसे कुछ करने के लिए मत कहिए। वैसे भी हम अपने घर में भी इसे कुछ नहीं करने देंगे, आखिर हमारी होने वाली बहू फूल की तरह नाजुक है, हम उसे कैसे काम करवाए भला। साक्षी जी की बात सुनकर अवनी जो कि खड़ी थी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी आप तो बहुत ज्यादा क्यूट हो, आपके बेटे को देखकर लगता नहीं है कि आप इतनी ज्यादा प्यारी होगी, आपका बेटा तो खड़ूस है, एक नंबर का खड़ूस, और आप तो पूरी एंजल हो। अवनी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के लोग उसे घूमने लगे। वही जिंदल फैमिली के लोग जोर जोर से हंसने लगे। विवान भी अवनी को घूर रहा था। अवनी ने विवान को खुद को घूरता देखकर एटीट्यूड से कहा, घूर क्यों रहे हो प्रिंस चार्मिंग, तुम्हारे बारे में क्या गलत कहा है, पहले तो मुझे एटीट्यूड दिखा दिखा कर मना करते थे और अब फाइनली 6 महीने तक मेहनत करने के बाद जब मैं तुम्हें हाँ कहा है तो तुम मुझे घूर रहे हो। अवनी की बात सुनकर जिंदल फैमिली के लोग जोर जोर से हंसने लगे और यह मल्होत्रा फैमिली के लोगों ने मन ही मन कहा, हमारी बेटी कभी नहीं सुधरने वाली। ऑडियो बाय साकिल JX07। अवनी की बात सुनकर विवान उसे घूरने लगा। अवनी एटीट्यूड से जाकर साक्षी जी के पास बैठ गई। उसे इस तरह से बैठता देखकर संगीता जी या कोई कुछ और कहने ही वाली थी कि अवनी ने साक्षी जी को कस के गले लगाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी सासू माँ, आप इतनी ज्यादा प्यारी होगी, मुझे लगा नहीं था, मैंने इस खडूस से कितनी बार कहा कि मुझे आपसे मिलवा दे, पर यह मिलवाने को तैयार ही नहीं था। अवनी की हरकत देखकर कृपा जी ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे भगवान मैं क्या खाकर इस राक्षसनी को पैदा किया था। कृपा जी की बात सुनकर उनके बगल में खड़ी संगीता जी जो कि अभी चिप्स खा रही थी उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, कृपा तुम कैसी बात कर रहे हो, कुछ खाकर थोड़ी बच्चे पैदा किए जाते हैं। वो तो उन्होंने इतना कहा ही था कि कृपा जी ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी प्लीज चुप हो जाइए, कम से कम अपनी बेशर्मी का पिटारा यहाँ मत खोलिए, जिंदल परिवार पागल हो जाएगा हमारे घर के नमूनों को देखकर। कृपा जी की बात सुनकर संगीता जी मुंह बनाकर उनकी तरफ देखने लगी। वही साक्षी जी ने प्यार से अवनी को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारी हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही एक क्यूट सी बहू चाहिए थी जो कि मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रह सके, और अब तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मुझे बेटी मिल जाएगी बना। ये लड़की तो दिन रात मेरी सेवा करके मुझे सांस वाली फीलिंग महसूस करती है। इतना कहकर उन्होंने आयशा की तरफ देखा जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसे कितनी बार कहती हूँ कि घर के काम मत किया करो, पर यह मेरी सुनती ही नहीं है। साक्षी जी की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे अच्छा लगता है आप सबकी सेवा करना, घर के काम करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। वही मल्होत्रा फैमिली खुश थी कि साक्षी जी इतनी अच्छी है। तभी विवान के पापा राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आपकी बेटी काफी प्यारी लगी, हमें हमेशा एक बेटी चाहिए थी पर भगवान ने हमें 2 बेटे दे दिए, पर अब हमारे पास बहू के रूप में 2-2 बेटियां हैं, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आप सब लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी बेटी जैसे आपके घर में रहती है वैसी ही हमारे घर में रहेगी, हम कभी आपकी
बेटी को बहू वाली फीलिंग महसूस नहीं होने देंगे, वह जो चाहे कर सकती है, हमारी तरफ से उसे खुली छूट होगी। राम जी की बात सुनकर संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर जिंदल, भले ही हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, हर एक बाप को यही चिंता लगी रहती है कि उसकी बेटी कैसे घर में जाएगी। बचपन से जब बेटी पैदा होती है तब से यही दिल में होता है कि एक ना एक दिन हमारी बेटी हमें छोड़कर किसी और के घर चली जाएगी, पर सबसे ज्यादा दिल में यही चिंता लगी रहती है कि जिस घर में वह जाएगी उसे घर में उसे उतना प्यार मिलेगा क्या जितना प्यार हम उसे देते हैं। पर अब आप लोगों से मिलकर मुझे यकीन हो गया कि आप लोग हमारी बेटी को हमसे भी ज्यादा प्यार देंगे। संजय जी की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। तभी अयान ने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अवनी ने अयान की तरफ देखा और एक्साइट होते हुए कहा, आप इस बुद्धू राम के भाई हो ना, मैं आपके बारे आपसे काफी कुछ सुना है भैया कि आप काफी शैतान थे। वैसे भैया मुझे बताए, अगर आप इतने अच्छे हो तो फिर यह ऐसा कैसे हो गया, दिन भर किताब में घुसा रहता है, मस्ती मजाक तो जैसे इसमें करनी सीखा ही नहीं। अब मुझे बताए, आप जब ये सब करते थे तब ये बुद्धू राम क्या करता था, ये किताबी कीड़ा कैसे बन गया। अवनी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के लोग उसे घूरने लगे। अब नहीं, जिंदल परिवार के सामने ही उनके ही बेटे की इतनी बुराई कर रही थी। वही अवनी की बात सुनकर जिंदल फैमिली जोर जोर से हंसने लगी। अयान ने अपनी हंसी कंट्रोल करके विवान की तरफ देखते हुए कहा, अवनी तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा ये छोटा भाई बहुत ज्यादा बोरिंग है, पढ़ाई के अलावा इसे कुछ नहीं पसंद। जब भी बचपन में कुछ खेलना होता था हम सब दोस्त मिलकर खेलते थे और यह अपनी किताब लेकर आता था, खेलने से ज्यादा इसका ध्यान पढ़ाई पर होता था, इसलिए बचपन से हर क्लास में टॉप करता है और मैं तो अपने स्कूल में बैक बेंचर्स था। अयान की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जो मजा बैक बेंचर्स होने में है वो फ्रंट बेंचर होने में कहाँ, और वैसे भी मैं तो पढ़ाई करती भी नहीं फिर भी मैं टॉप करती हूँ। भैया पता नहीं ये क्यों इतना पढ़ता है, वैसे आपको पता है इसने मुझे कितना परेशान किया, मैं तो कॉलेज के पहले दिन से इसके पीछे पड़ी थी, भैया आपको क्या बताऊँ, इसे देखते ही मैं इस पर फ्लैट हो गई थी, इसकी नीली आंखें मुझे घायल कर चुकी थी, मैं तो इसकी नीली आंखों को समुद्र समझकर डूब गई थी। अवनी ने अपनी सपनों की दुनिया में खोते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर पूरी जिंदर फैमिली उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखते लगी, जैसे पूरी कहानी जानने के लिए बोलो काफी एक्साइटेड हो। साक्षी जी ने खुशी से कहा, और बताओ, हमें बताओ तुम दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। साक्षी जी की बात सुनकर अवनी ने अपने दोनों हाथ गाल पर रखे और मुस्कुराते हुए अपने सपनों की दुनिया में खोते हुए कहा, आपको क्या बताओ, सासू माँ कॉलेज के पहले ही दिन में अपनी धुन में चल रही थी और यह प्रिंस चार्मिंग दूसरी तरफ से आ रहा था, इसकी एंट्री बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 के सिद्धार्थ राय मल्होत्रा वाली थी, बस पर कितना था कि उसे टाइम पर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी बुलेट पर था और यह पैदल। मैं तो अपनी दोस्त के साथ बकबक करते हुए चल रही थी, अचानक से इसके साथ मेरी टक्कर हो गई और इसने अपनी बाहों में मुझे पकड़ लिया है। सासू माँ जब मैं अपनी आंखें खोली मेरी आंखें इसकी नीली आंखों से मिल गई और आपको पता है मैं तो इस पर फ्लैट हो गई, इसकी दीवानी हो गई। मैं तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया था शादी करूंगी, तो ऐसे ही इतना कहकर अवनी ने सभी लोगों की तरफ देखा जो काफी एक्साइटेड होकर उसकी कहानी सुन रहे थे। वही विवान का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। अवनी की बात सुनकर आयशा जो अब तक चुप थी उसने खुशी से कहा, उसके बाद क्या हुआ। आयशा की बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके बाद भाभी इसका एटीट्यूड बढ़ गया, क्योंकि मेरे जितनी होता और सेक्सी लड़की इसके पीछे पड़ गई थी, मैं हर रोज इस प्रपोज करती थी पर यह मुझे रिजेक्ट करके भाग जाता था। इनफैक्ट मैंने सारी लड़कियों को धमकी भी दे दी थी कि कोई मेरे प्रिंस चार्मिंग पर नजर भी नहीं डालेगी, फिर भी ये लड़कियों की मदद करता था, उन्हें नोट्स बनाने में हेल्प करता था, ये जानते हुए भी कि उन लोगों को नोट्स नहीं बने बल्कि इसके नजदीक आना है। अवनी की बात सुनकर पूरी जिंदल फैमिली विवान को ऐसे घूमने
लगी जैसे उसने कोई महापाप कर दिया हो। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि अवनी ने उसके परिवार वालों पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उसका खुद का परिवार उसे किसी पापी की तरह घूर रहा है। विवान ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। विवान की बात सुनकर साक्षी जी ने उसे घूरते हुए कहा, तू कुछ करेगा भी कैसे नालायक। अगर मेरी प्यारी बहू तेरे पीछे नहीं पड़ी होती तो तुझे इतनी क्यूट, इतनी स्वीट, इतनी सुंदर, इतनी सुशील बीवी कैसे मिल रही होती। पता नहीं इतना गधा क्यों है तू। साक्षी जी पलटकर अवनी की तरफ देखते हुए कहा, फिर क्या हुआ बेटा। अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये करने को तैयार नहीं था और लड़कियां भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं एक दिन इसकी जो फेक गर्लफ्रेंड बनी थी उसकी ऐसी पिटाई की कि उसके बाद इसके करीब कोई लड़की आए ही नहीं। अवनी की बात सुनकर अयान ने एक साइड आवाज में कहा, मतलब तुमने विवान के लिए एक लड़की की पिटाई की थी, वह भी कॉलेज में। अयान की बात पर अवनी ने एटीट्यूड से कहा, सिर्फ थी नहीं भैया, उसकी ऐसी हालत की थी कि 10 दिन तक कॉलेज नहीं आ सकी। उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया था मैंने। अवनी की बात सुनकर आयशा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगा। आयशा की बात सुनकर अवनी ने एटीट्यूड से कहा, डरना मैंने सीखा नहीं भाभी, क्योंकि मैं अवनी मल्होत्रा हूँ और जो डर गया वह मर गया। अवनी मल्होत्रा किसी से डरती नहीं, सबको डरा के रखती है। अवनी की बात सुनकर साक्षी जी ने खुशी से उसकी नज़र उतारने हुए कहा है, मेरे तो नसीब खुल गए, इतनी प्यारी बहू मिली है मुझे। अब अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं बस उन्हें तुम्हारा नाम बता दूंगी। जब मेरी बहू इतनी अच्छी और टैलेंटेड है तो मैं क्यों किसी से डरूं। अब मैं सबके सामने ड्रॉप जमा होगी कि मेरी बहू किसी से कम नहीं है। साक्षी जी की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं सासू माँ, आप कुछ भी कर सकती है। मल्होत्रा फैमिली के लोग तो मन ही मन अवनी को डांट रहे थे। वही विवाह ने मन ही मन कहा, इस लड़की ने तो मेरी माँ को सासू माँ भी बना लिया, काफी फास्ट है। विवान बेटा बच के रहना पड़ेगा, शादी से पहले ही उसने तेरे पूरे परिवार वालों को पटा लिया। पता नहीं शादी की बात तेरा क्या होगा। कुछ देर बाद अवनी की कहानी खत्म हो गई। सभी लोगों ने मिलकर दोनों बच्चों की सगाई की डेट डिसाइड कर ली। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हम लोग समधी समधन हुए, 1 हफ्ते बाद हमारे दोनों बच्चों की सगाई होगी। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि कब मैं अपनी अवनी को अपने घर लेकर चली जाऊं। साक्षी जी की बात सुनकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी हमें भी इंतजार नहीं हो रहा है इस आफत को अपने घर से भेजने का। साहिल की बात सुनकर साक्षी जी हंसने लगी। वही अवनी ने गुस्से से कहा, मैं तो आफत हूँ पर आपकी होने वाली बीवी तो तूफान है और तूफान को घर में आने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, इसलिए आप मेरी नहीं अपनी चिंता कीजिए। अवनी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वही इन सबके साथ खड़ा अक्षय चौकी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लेकर उन सब की तरफ देख रहा था, पर उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपने परिवार की खुशियों को बर्बाद नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, अक्षय ने खुद से कहा। वही पीहू जो मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देख रही थी, अचानक से उसका ध्यान अक्षय की तरफ गया। अक्षय के चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट थी पर पीहू उसके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे की परेशानी आसानी से देख सकती थी। पीहू ने खुद से कहा, कुछ दिनों से अक्षय को क्या हो गया है, अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे कोई परेशानी इन्हें अंदर ही अंदर खा रही हूँ, पर यह मुझे बात क्यों नहीं रहे। कुछ भी हो जाए मैं आज अक्षु से पूछकर रहूंगी कि क्या हुआ है, मैं इन्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। ऑडियो बाय साकिल जेएक्स 07। अक्षय के जाने के बाद पीहू मन ही मन अक्षय से उसकी परेशानी की वजह पूछने के बारे में सोच रही थी। पीहू पिछले 1 हफ्ते से नोटिस कर रही थी अक्षय हमेशा परेशान रहता था, पर अक्षय पीहू से यह बात छुपाने की कोशिश करता था, पर फिर भी पीहू को उसके चेहरे की परेशानी हमेशा नजर आ जाती थी। पीहू 1 हफ्ते से इस बात को इग्नोर कर रही थी, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अक्षय से किसी भी हालत में पूछ कर ही रहेगी कि अक्षय की परेशानी की क्या वजह है।
वहीं बाकी सभी घरवालों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। साक्षी जी ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है अब हम चलते हैं। इतना कहकर वह अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ मुझे अपने होने वाले मिस्टर से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ। इतना कहकर अवनी ने आंख मारकर विवान की तरफ देखा। अवनी की बात सुनकर विवान उसे घूमने लगा। वही जिंदल फैमिली हंसने लगी। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा अब यह मेरा नालायक बेटा तो मुझे ये बात कहने वाला था नहीं, पर मेरी प्यारी बहू ने तो कह दी और मैं अपनी बहू की बात कैसे टाल सकती हूँ। तुम्हें इससे जितनी देर तक बात करनी है तुम कर सकती हो, हम लोगों को देर हो रहे हैं इसलिए हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और तू नालायक मेरी प्यारी बहू से बात करके घर आ जाना। और अगर मेरी बहू को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो तेरी डंडे से पिटाई करूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर विवान है रानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अवनी ने इतनी जल्दी उसके परिवार वालों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि उसके परिवार वाले अवनी के दीवाने हो गए। जिंदल फैमिली ने मल्होत्रा परिवार के सभी लोगों से अलविदा कहा और वहां से अपने घर के लिए निकल गए। अब वहां पर सिर्फ मल्होत्रा परिवार के लोग और विवान बचा था। उनके जाते ही अवनी ने मुस्कुराते हुए विवान की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग देखो हमारी सगाई की डेट फिक्स हुई गई सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, वरना अगर तुम्हारे भरोसे रहती तो पक्का अगले जन्म तक तुम हमारी शादी का इंतजाम कर देते। चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर अवनी ने विवान का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगी। विवान भी बेचारा किसी मासूम इंसान की तरह चुपचाप उनके साथ रहा था। वही मल्होत्रा फैमिली के लोग अपनी बेटी की हरकत देखकर उसे घूर रहे थे। अवनी सबको इग्नोर करते हुए विवान को लेकर ऊपर जा रही थी। कुछ देर बाद विवान और अवनी अवनी के रूप में आ गए। रूम में आते ही विवान जो अब तक शांत था उसने अवनी को दरवाजे से टिककर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, क्या कह रही थी तुम नीचे। विवान की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अवनी की बात सुनकर विवान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तुमने कुछ नहीं कहा, नीचे तुम क्या क्या कह रही थी। मैं बुद्धू हूँ, मैं नालायक हूँ, तुमने मेरे परिवार वालों से मुझे डांट भी पड़वाए, आखिर ऐसा कौन सा जादू किया है उन पर जो एक दिन में ही वह तुम्हारे दीवाने हो गए। विवान की बातें सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हैं कहा, तुम्हें नहीं पता मैं तुम पर भी तो जादू चलाया है, अच्छा तुम रह सकते हो मेरे बिना। अपनी की बात सुनकर विवान ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, इस तरह की बातें करने के बारे में सोचना भी मत, तुमसे दूर जाना मेरे लिए मौत से पत्थर सजा होगी, अब मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो। विवान की बात सुनकर अवनी ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, और तुम मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ हो, मेरी लाइफ लाइन, बहुत जल्दी हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। अवनी की बात सुनकर विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। विवान की बात सुनकर अवनी ने आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, मैं तो हमेशा से तुम्हारी ही थी और तुम्हारी ही रहूंगी। अवनी के किस करने के कारण विवान ने उसे कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींचा और उसे प्यार से किस करने लगा। अवनी भी विवान को काफी प्यार से किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के लिप्स को लगातार किस कर रहे थे। आज दोनों के दिल में खुशी थी क्योंकि आज उनका प्यार मुकम्मल होने की ओर बढ़ गया था। बहुत जल्दी वह लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फियोंसे बनने वाले थे। कुछ देर बाद जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई, दोनों ने एक दूसरे को छोड़, अवनी और विवान दोनों का माथा एक दूसरे से लगा हुआ था और दोनों लंबी लंबी सांस ले रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद अपनी सांसों को कंट्रोल करके विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुमने मेरे पूरे परिवार को तो पता ही लिया है और मम्मी तो तुम्हारी फैन ही हो गई है। मुझे तो डर है कि कहीं तुम और मम्मी मिलकर मेरी पिटाई ना कर दो।
विवान की बातें सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे किस तरह से ट्वीट करते हो। अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी, मुझे कभी परेशान नहीं किया, एक अच्छे डिसेंट हस्बैंड की तरह बिहेव किया, तो फिर मैं तुम्हें क्यों पिटूंगी। अवनी की बात सुनकर विवान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा मैं तो डिसेंट हस्बैंड बन जाऊंगा, पर तुम तो मेरी वाइल्ड कैट ही रहोगी ना, जंगली बिल्ली। विवान की बातें सुनकर अवनी ने इतराते हुए कहा, अगर मैं वाइल्ड नहीं हुई तो हमारे बच्चे कैसे वाइल्ड होंगे। वैसे भी तुम तो बोरिंग हो, तो किसी न किसी को तो आगे बढ़कर वाइल्ड होना ही होगा। और वैसे भी हमारे मल्होत्रा फैमिली में कोई शर्मिला नहीं है, सबके सब बेशर्म है, तो अगर उनकी बेटी शर्माने लग गई तो फिर मेरे फैमिली का नाम तो डूब जाएगा ना, इसलिए मुझे तो बेशर्म ही रहना है। आखिर अपने परिवार का टाइटल कैसे डूबने दे सकती हूँ। अवनी की बात सुनकर विवान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। विवान की बात पर अवनी ने एटीट्यूड से कहा, जो सुधर जाए वह। अवनी कहाँ। कुछ देर तक इसी तरह से एक दूसरे के साथ बात करने के बाद अवनी और विवान दोनों नीचे आ गए। अवनी ने नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे। नीचे आने के बाद विवान ने कुछ देर तक सभी लोगों से बात की और फिर अपने घर के लिए निकल गया। विवान के जाने के बाद कृपा जी ने अवनी के कान को खींचते हुए कहा, क्या कर रही थी नालायक लड़की, साक्षी जी तेरी होने वाली सास है और तू उनके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वह कोई तेरी पुरानी बिछड़ी हुई दोस्त हो। नालायक लड़की, कम से कम थोड़ी तो संस्कार दिखाए होते, कम से कम उनके पर ही छूलिए होते, तू तो सीधी जाकर गले लग गई। कृपा जी के कान खींचने के कारण अवनी ने चिल्लाते हुए कहा, माँ कान छोड़ो, दर्द कर रहा है। और रही बात मेरी प्यारी सासू माँ को गले लगाने की, तो पैर छूना रिस्पेक्ट होती है, पर गले लगाना ये होता है कि मैं दिल से उन्हें अपना मानती हूँ। माँ छोड़ो, आपकी प्यारी बेटी की जल्दी सगाई होने वाली है और आप उसके साथ इस तरह से अत्याचार कर रही हो, जबकि आपको मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैं कुछ दिन ही यहाँ पर रहने वाली हूँ। छोड़ो माँ, अवनी ने चिल्लाते हुए अपने कान को छोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर कृपा की उसके कानों को छोड़ ही नहीं रही थी। ये देखकर वसुधा जी ने कहा, कृपा छोड़ दो अवनी के कान, क्यों परेशान कर रहे हो। वैसे भी उसकी सास को वह पसंद आ गई, उन्हें ऐसे ही लड़की चाहिए थी। जब किसी को कोई परेशानी हुई ही नहीं तो तुम अवनी को क्यों डांट रही हो। वसुधा जी की बात सुनकर कृपा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, माँ अपने ही से बिगड़ा है और यह नालायक लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। अच्छा हुआ इसके जैसे ही सास मिल गए, वरना पता नहीं इसका क्या होता। कृपा जी के कान छोड़ने के बाद अवनी ने अपने काम को सहलाते हुए कहा, क्या होता वही होता जो मंजूर है, खुदा होता। अवनी की बात सुनकर कृपा जी ने घूर कर उसे देखा, अवनी जल्दी से वहां से भाग गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अक्षय अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, ड्राइवर कार चला रहा था। अक्षय की आंखों में इस वक्त कोल्डनेस नजर आ रही थी, तभी उसका फोन बज, उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसे आदमी ने कहा, सर अब तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, हमने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, हमने उसके फैमिली मेंबर्स पर भी नजर रखवाई है, पर अब तक हमें किसी पर भी शक नहीं हुआ है। उसी आदमी की बात सुनकर अक्षय ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे किसी भी कीमत पर वह चाहिए, मतलब चाहिए तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वह वहां से भाग गया और आज उसकी वजह से मेरी फैमिली डेंजर में है। अगर मेरी फैमिली में किसी को एक खरोच भी आई तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। अक्षय की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसे आदमी ने घबराते हुए कहा, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि जहां तक हमें पता है उसके सारे बिजनेस पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, तो उसकी मदद करने वाला कोई इंसान अभी फिलहाल तो हमें दिख नहीं रहा, और ज्यादा दिन तक वह बिना मदद के इस तरह से हमसे छुप भी नहीं पाएगा।
उसी आदमी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वह किसी भी कीमत पर अपने सामने चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। इतना कहकर अक्षय ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद अक्षय ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो वंश राठौड़, मैं कभी तुम्हें तुम्हारा मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ इस वक्त एक अंधेरे कमरे में एक आदमी जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे महीना तक टॉर्चर किया गया हो। वो काफी ज्यादा पतला भी लग रहा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसे लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे अक्षय मल्होत्रा से बदला लेना है, उसने 6 महीने तक मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट किया है, मुझे उससे उसकी सारी खुशियाँ छीननी है। यह आदमी कोई और नहीं वंश था, जो अब काफी ज्यादा दुबला पतला हो गया था। उसकी बॉडी पर हजारों निशान थे, पर फिर भी उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। वही उसके सामने खड़ी उसे लड़की ने हंसते हुए कहा, वंश वंश क्या हालत हो गए हैं तुम्हारी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही वंश राठौर हो जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज उसकी हालत किसी गली के कुत्ते से भी खराब हो चुकी है। उसे लड़की की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, मेरी हालत चाहे कैसी भी हो गई हो, पर अभी मैं जिंदा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ अक्षय मल्होत्रा को चैन से नहीं जीने दूंगा, ना ही उसके खानदान को, सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। ऑडियो बाय साकिल JX07। वंश की बात सुनकर उसके सामने खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी सिर्फ और सिर्फ अक्षय मल्होत्रा और उसके पूरे खानदान की बर्बादी चाहती हूँ। जिस तरह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हुआ है, मैं चाहती हूँ अक्षय मल्होत्रा का पूरा परिवार इस तरह से बर्बाद हो जाए। सभी लोग इतने ज्यादा दर्द से गुजरे कि वह लोग खुद मारना चाहे पर मौत उन्हें नसीब ना हो, और मैं उसे अक्षय मल्होत्रा को तिल तिल तड़प तड़प कर मारते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसे इतना बेबस देखना चाहती हूँ कि वह चाह कर भी कुछ ना कर सके। मैं चाहती हूँ उससे हम उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली, उसकी बीवी और उसकी बेटी। उसे लड़की की बात सुनकर वंश ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी ब्यूटीफुल के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना काव्य, वरना तुम्हारे साथ में क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अब तक सब लोगों ने सिर्फ मेरा जुनून देखा था, अब सब मेरा पागलपन देखेंगे कि मैं अपनी ब्यूटीफुल के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। हर हद को तोड़ दूंगा, हर जुनून से गुजर जाऊंगा। वंश की आवाज और उसकी आंखों में झलक रहा हूँ जुनून देखकर उसके सामने खड़ी काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे पीहू को कुछ भी नहीं करूंगी, पर मैं उसे कोहू को नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से उसे अक्षय मल्होत्रा ने मेरी बॉडी का खून किसी पानी की तरह निकाला है, बिना ये सोचे कि ज्यादा खून निकलने से मेरी मौत हो जाएगी। उसके ऑपरेशन के दिन उसे अक्षय मल्होत्रा ने लगभग मेरी जान ले ही ली थी। अगर वक्त पर तुमने अपना खून नहीं भेजा होता तो शायद वह मेरी बॉडी का आखिरी बचा हुआ बूंद भी अपनी उस बेटी को बचाने के लिए लगा देता। काव्या की बात सुनकर वंश ने काव्या को घूमते हुए कहा, पर वह तो तुम्हारी खुद की बेटी है ना, तुमने खुद से जन्म दिया है तो फिर उसे इतनी नफरत क्यों? वंश की बात सुनकर काव्या ने नफरत भरी आवाज में कहा, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता है, और मुझे उससे नफरत तो तब से है जब वो मेरे पेट में थी। मैंने तो उसे कई बार करने की कोशिश की, पर वंश और वेद दोनों ने मिलकर उसे हर बार बचा लिया। मैं चाहकर भी उसे नहीं मार पाई, उसकी वजह से मेरे पूरी लाइफ खराब हो गई। अगर वह पैदा नहीं होने वाली होती तो ना अक्षय मल्होत्रा मुझे कैद करके अपने घर में रखता, नहीं मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद होती। आज मैं इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस होती, ना कि इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही होती। सब कुछ सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ है, पैदा होकर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काव्या की बात सुनकर वंश ने कहा, ठीक है, तुम्हें भी अक्षय मल्होत्रा को बर्बाद करना है और मुझे भी अब किसी भी कीमत पर, मुझे जल्द से जल्द अक्षय मल्होत्रा की दुनिया को तबाह
करना है। उसने मुझसे मेरी ब्यूटीफुल को दूर करने की कोशिश की, ना मैं उसे अपनी ब्यूटीफुल को भी दूर कर दूंगा। और उसकी जान से प्यारी बेटी कुहू को भी अक्षय मल्होत्रा सिर्फ देखता रह जाएगा और वंश राठौर उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। इतना कहकर वंश मुस्कुराने लगा। वही वंश की बात सुनकर काव्या ने उसे घूरते ही कहा, इतना आसान नहीं है ये सब। अक्षय मल्होत्रा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा दो। पिछले 6 महीने से मैंने 1000 बार कोशिश कर ली पर मैं उसके नाखून तक को खरोच नहीं लगा पाई। काव्या की बात सुनकर वंश ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास अकल नहीं है। अगर अकल होती तो तुम इस तरह से अक्षय मल्होत्रा के हाथ की कठपुतली नहीं बनी हुई होती। पर खैर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इतना कहकर वंश मुस्कुराने लगा। वही उसकी बात सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसका साथ देकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली कभी उसे अक्षय मल्होत्रा को नहीं हरा सकती। और अगर कुछ हो भी गया तो मैं इसे अकेला छोड़कर भाग जाऊंगी। बाद में ये देखिए और अक्षय मल्होत्रा देखें। कुछ देर बाद वंश और काव्या उसे अंधेरे कमरे के नीचे बने एक अंडरग्राउंड रूम में चले गए। वहां पर जाकर वंश ने अपने कपड़े बदले। हालांकि उसकी कंडीशन अभी भी खराब थी पर तो वह पहले से काफी बेहतर लग रहा था। उसकी बॉडी पर अभी भी 1000 निशान थे पर उसके चेहरे की नफरत और गुस्सा उसे किसी राक्षस का लुक दे रहा था। काव्या उसे ही देख रही थी तभी कमरे का दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। अंदर आते ही जब उसने काव्या को वंश के इतने नजदीक देखा था, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। पर उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि वह इस तरह से काव्या पर चिल्लाना नहीं चाहता था। कबीर जाकर काव्या के बगल में खड़ा हो गया। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काव्या। काव्या ने पलटकर कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कबीर देखो, अब अक्षय मल्होत्रा को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे साथ वंश राठौर खड़ा है जो कि हमसे भी 1000 गुना ज्यादा नफरत अक्षय मल्होत्रा से करता है। काव्या की बात सुनकर कबीर ने वंश की तरफ देखा जो उन दोनों को ही देख रहा था। कबीर ने कुछ नहीं कहा और काव्या की तरफ देखते हैं कहा, काव्या अब हमें घर के लिए जाना होगा, काफी लेट हो चुका है। कबीर की बात सुनकर काव्या ने एक नज़र वंश की तरफ देखा और कहा, ठीक है कबीर। काव्या ने वंश की तरफ देखा और जहरीले मुस्कुराहट देते हुए कबीर के साथ वहां से चली गई। वहीं उन दोनों के जाने के बाद वंश ने नफरत भरी आवाज में कहा, इस बार सब कुछ तबाह होगा। वंश राठौर किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस जिसने मेरी हालत की है उन सभी का हिसाब चुकता करूंगा। सब लोग खून के आंसू रोएंगे, चारों तरफ सिर्फ तबाही हो की तबाही। बस एक हफ्ता अक्षय मल्होत्रा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, ये वादा है वंश राठौर का खुद से। इतना कहकर वंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऑडियो बाय साकिल JX07। एक हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। आज अवनी और विवान की सगाई थी। सगाई काफी कम लोगों के बीच में रखी हुई थी। इस वक्त अवनी और विवान दोनों स्टेज पर मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर बड़ी से मुस्कुराहट थी। आखिर आज दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के साथ एंगेज होने वाले थे। इंगेजमेंट पार्टी एक बड़े से रिसोर्ट में रखी गई थी जो कि मल्होत्रा परिवार का ही रिजॉर्ट था। घर के सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी से मुस्कुराहट थी पर वही अक्षय जो कि एक कोने में बैठा हुआ था उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। इस वक्त कुहू और पीहू दोनों स्टेज पर मस्ती कर रही थी। तभी पीहू का ध्यान अक्षय की तरफ गया। उसने मन ही मन कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ है अक्षय के साथ? पिछले 15 दिनों से लगातार टेंशन है, ना ही मुझे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, ना ही मेरे पूछने में तो बता रहे हैं, मैं करूं तो क्या करूं? स्टेज पर विवान घुटनों के बाल नीचे बैठा। उसने मुस्कुराते हुए काम अवनी मल्होत्रा का, तुम अवनी विवान जिंदल बनना चाहोगी? इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखने लगा। विवान की बात पर अवनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना सर हिलाया। विवान ने उसकी हथेली को चुम्मा और उसके हाथों में अंगूठी पहना दी। सभी लोगों ने तालियां बजाई।
अवनी ने भी विवान को अंगूठी पहनाई। वही इन सब के बीच वेटर के भेष में काव्य, कबीर और वंश यहाँ पर घूम रहे थे। वंश इस वक्त एक कोने में खड़ा होकर छोटी सी कोहू को ही घर रहा था। कोहू ने आज ब्लैक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन का छोटा सा लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बिल्कुल बाबी डॉल की तरह लग रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, तुझमें जान बसती है ना इन सब की, आज इन सब से उनकी जान छीन कर रहूंगा, तुझे इसे इतना दूर कर दूंगा कि यह लोग चाह कर भी तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरी ब्यूटीफुल तुझे अपनी बेटी की तरह मानती है ना, और तुझे बहुत प्यार करती है, उसे एहसास दिलाकर रहूंगा कि जब आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे दूर चला जाता है, तब कैसा लगता है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई और भी खुश नहीं रह सकता, सबकी जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुहू अभी मुस्कुराते हुए अवनी और विवान की तरफ अच्छी रही थी कि तभी रिया उसके पास आई है। रिया ने भी आज पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, वह काफी क्यूट लग रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना वहां पर शिवान शयान कियान और रुद्र है, हम उनके साथ खेलते हैं। रिया की बात सुनकर कोहू ने उसकी तरफ देखा और उसके साथ चली गई। वही उनसे कुछ दूरी पर वंश अभी भी उन्हें ही देख रहा था। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से काव्य को कॉल कनेक्ट करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ से काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं 5 मिनट में वह काम कर दूंगी, पर याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर 5 मिनट के अंदर तुम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। काव्य की बात सुनकर वंश ने कुहू को घूरते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरे लिए 5 मिनट बहुत है, इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अक्षय इस वक्त ड्रिंक काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी पीहू उसके पास आकर खड़ी हो गई। पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, आप बात क्यों नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। अक्षु, पिछले 15 दिनों से आपका बिहेवियर देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे बताए कि क्या हुआ है, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है। पीहू की आवाज सुनकर अक्षय ने पलट कर पीहू की तरफ देखा। अक्षय ने काफी ड्रिंक कर ली थी, वही अक्षय के ड्रिंक की स्मेल आते ही पीहू को अजीब सा लगने लगा। उसने अक्षय की तरफ देखा और वहां से दौड़ते हुए दूसरी तरफ चली गई। वहीं उसे इस तरह से दौड़ता देगा, अक्षय ने जल्दी से ड्रिंक का ग्लास साइड में रखा और उसके पीछे भागा। पीहू दौड़ते हुए रिजॉर्ट की इस फ्लोर के बाथरूम में चली गई थी। पीहू सिंक में उल्टियां कर रही थी। अक्षय ने पीछे से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें। पीहू ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, पता नहीं मुझे सुबह से काफी अजीब सा लग रहा है, मुझे कमजोरी भी फील हो रही है, पर मैं नहीं चाहती थी कि अवनी के साथ गए में कोई प्रॉब्लम आए, जिस वजह से मैं किसी से कुछ नहीं कहा। इतना कहकर पीहू ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अक्षय ने पीहू का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। पीहू ने खुद को संभालते हुए कहा, पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप इतने परेशान हो रहे हो, प्लीज मुझे बताए। पीहू ने इतना कहा ही था कि तभी उसका सर चकरा आने लगा। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, अक्षय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अक्षय ने घबराकर कहा, पीहू आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। पर पीहू अब तक बेहोश हो चुकी थी। अक्षय ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और लिफ्ट से रिसोर्ट के दूसरे फ्लोर पर चला गया, जहां पर उनके पर्सनल रूम थे। रूम में जाने के बाद अक्षय ने पीहू को बेड पर लिटाया और जल्दी से मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ वंश ने मुस्कुराते हुए काव्य को कॉल करके कहा, इस वक्त इस फ्लोर पर अक्षय मल्होत्रा और पीहू दोनों मौजूद नहीं है, हमारे पास यही सही वक्त है, जो कहाँ है वह जल्दी करो। वंश ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे रिजॉर्ट की लाइट एक साथ बंद हो गई। अक्षय जो कि दूसरे फ्लोर पर था, जैसे ही उसे महसूस हुआ कि लाइट बंद हो गई है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अक्षय ने एक नज़र बैठकर बेहोश पीहू की तरफ देखा और
दौड़ता हुआ सीढ़ियों से निकले फ्लो पर जाने लगा। उसने घबराते हुए कहा, कहीं ये वंश का तो काम नहीं। अक्षय को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अक्षय जैसे ही उसे फ्लो पर पहुंचा, उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। सारे मेहमान हैरान थे, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े रिसोर्ट में लाइट जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अभी अक्षय वहां पर पहुंचा ही था कि तभी लाइट फिर से ऑन हो गई। अक्षय ने चारों तरफ नजरें घूमकर देखा, उसे सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। तभी उसे सात्विक दिखाई दिया। अक्षय ने सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी भाभी फोर्थ फ्लो पर है, जो वहां पर डॉक्टर आएंगे उनका चेकअप करने। इतना कहकर अक्षय जल्दी से वहां से चला गया। सात्विक ने अक्षय की तरफ देखा और सीधा फोर्थ फ्लो पर चला गया। कुछ देर बाद फोर्थ फ्लो पर डॉक्टर पीहू को चेक कर रहे थे। वहां पर सात्विक और साहिल और अनिका मौजूद थे। घर में बाकी किसी को नहीं पता था कि पीहू की तबीयत खराब है। वही अक्षय पूरे पार्टी हॉल में सब कुछ ठीक है या नहीं ये देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो लाइट गई थी वह अपने आप गई थी या फिर किसी ने जानबूझकर किया था। अक्षय ने पूरे पार्टी हॉल में नजर घुमाकर देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि पूरे पार्टी हॉल में कोहू कहीं पर भी नहीं है। ये ख्याल ध्यान में आते ही अक्षय की सांसें तेज हो गई। अक्षय ने खुद से कहा, कहीं ये सब वंश का तो नहीं। इतना सोचकर उसने पूरे पार्टी में फिर से एक नजर को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी संगीता जी ने अक्षय को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तो मैं तुम्हें परेशान नजर क्यों आ रहे हो। अक्षय ने संगीता जी की तरफ देखकर कहा, माँ अपने कोहू को कहीं देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तू तो मुझे 10-20 मिनट से देखी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, जरूर अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, कोहू को ढूंढो। सब लोग उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्टी में मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने वालों पर किसी ने कुछ नहीं कहा और कोहू को ढूंढने लगे। पूरी पार्टी में किसी को नजर नहीं आ रही थी। अब सब लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा गई थी। तभी अक्षय ने चलते हुए कहा, सारे बच्चे कहाँ हैं। तभी सब लोगों ने महसूस किया, कोहू ही नहीं बल्कि उसके सारे दोस्त भी गायब है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ ऊपर आया। उसने घबराते हुए कहा, सर हमें बच्चे लोग गार्डन में बेहोश पड़े मिले। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर सभी लोग नीचे दौड़े। गार्डन में पहुंचने के बाद सब लोगों ने देखा, वहां पर अयान, शिवांश, रिया, कियान चारों बेहोश पड़े हुए थे, पर कोहू उन लोगों के साथ नहीं थी। अक्षय ने उन लोगों के चेहरे पर पानी डालकर घबराते हुए कहा, कोहू कहाँ है। सबसे पहले कियान ने अपनी आंखें खोली, हालांकि उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, पर उसने अक्षय की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। अक्षय ने उसके गाल सब दबाते हुए कहा कि ओन आंखें खोलो, बताओ कोहू कहाँ है। कियान ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। अक्षय ने उसे हिलाते हुए कहा कि आप बताओ, तुम्हारी बेबी गर्ल की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज बेटा बताओ कोहू कहाँ है। अक्षय की बात सुनकर कि हमने काफी मुश्किल से कहा, वह बेबी गर्ल को लेकर, वह उसकी गंदी माँ और वह वंश राठौर। इतना कहकर कियान अपनी आंखें बंद कर ली। कियान की बात सुनकर अक्षय की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने किया उनको वहां पर छोड़ा और गुस्से से वहां से निकल गया। अक्षय तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। वही रिसोर्ट के ऊपर वाले फ्लो पर इस वक्त साहिल, सात्विक, अनिका को नीचे जो कुछ भी हुआ उसे बारे में खबर ही नहीं थी। डॉक्टर पीहू को चेक कर रहे थे। पीहू को चेक करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात सुनकर साहिल, सात्विक और अनिका के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। अभी बोलो मुस्कुरा रहे थे कि तभी सात्विक का मोबाइल बज। सात्विक ने फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा और फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर सात्विक के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया।
सात्विक का ऐसा रिएक्शन देखकर साहिल ने कहा, क्या हुआ? सात्विक ने काफी मुश्किल से कहा, वंश राठौर कुहू को किडनैप करके ले गया, हमें जल्दी चलना होगा। इतना कहकर सात्विक बाहर की तरफ दौड़ा। सात्विक की बात सुनकर साहिल ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम भाभी का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह भी नीचे की तरफ दौड़ा। वही इस वक्त एक पहाड़ी पर अंधेरा ही अंधेरा था और वंश कुहू को खींचते हुए पहाड़ी पर ले आ रहा था। छोटी सी कुहू उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पहाड़ी पर इस वक्त अंधेरा था, पर चांद की रोशनी में साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा था। कुहू ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे वरना मेरी डैडी तुम्हें मार डालेंगे। कुहू की बात सुनकर वंश ने हंसते हुए कहा, अभी तो तुझे मारना है, क्योंकि तेरे करने के बाद तेरा वह आप पल पल तड़प तड़प के मारेगा और मुझे उसे वैसी ही मौत देनी है। वही काव्य मुस्कुराते हुए कुहू का वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाने के बाद उसने वह वीडियो अक्षय और पीहू दोनों के मोबाइल पर सेंड कर दिया और जिन जिन मल्होत्रा फैमिली के मेंबर का नंबर उसके पास था सभी लोगों को उसने वीडियो सेंड कर दिया। अक्षय जो कि गाड़ी तेजी से ड्राइव कर रहा था उसके मोबाइल पर मैसेज टू उनकी नोटिफिकेशन आई। अक्षय ने घूर कर पहले मोबाइल को देखा और फिर मैसेज ओपन करके देखा, उसमें एक वीडियो था। अक्षय जैसे जैसे वीडियो देख रहा था उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद अक्षय उसे पहाड़ी पर पहुंच चुका था। इस वक्त वह किसी घायल शेर की तरह लग रहा था। अक्षय के ठीक सामने वंश अपने हाथ में गन लेकर कुहू के सर पर तनकर खड़ा था। इस वक्त वंश पहाड़ी के किनारे पर खड़ा था, वहीं उसके सामने अक्षय गुस्से से लाल आंखें लिए उसे ही घूर रहा था। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, वंश राठौर अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बेटी को छोड़ दो। अक्षय की बात सुनकर वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसे छोड़ना ही होता तो किडनैप क्यों करता? मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मुझे ये भी पता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं तुम्हारी इस बेटी को साथ में लेकर मरूंगा। पीहू जो कि आपने रिसोर्ट में लेटी हुई थी उसे भी होश आ गया। होश में आते ही अनिका ने उसे बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। पार्टी हो इस न्यूज़ को सुनने के बाद भी खुश नजर नहीं आ रही थी, उसे अजीब से बेचैनी हो रही थी जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला हूँ। उसने बेचैनी से कहा, अक्षु कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। पीहू की बात सुनकर साने नजरें चुराते हुए कहा, भैया नीचे सगाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी वह बिजी है। अनिका की बात सुनकर पीहू ने कहा, पर मुझे उनसे मिलना है। इतना कहकर उसने अपना फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उसे ऊपर एक मैसेज की नोटिफिकेशन दिखाई दी जो कि अननोन नंबर से थी। न जाने क्या सोचकर पीहू ने उसे मैसेज को ओपन किया। उसे वीडियो को देखते ही पीहू की आंखें हैं रानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से अपने बेटे से खड़ी हुई और चिल्लाते हुए भागने लगी। ये देखकर अनिका ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर पीहू ने उसे दूर धकेल दिया और तेजी से लिफ्ट से नीचे चली गई। अनिका भी उसके पीछे भाग पीहू रिजॉर्ट से निकालकर सीधी एक कार में बैठकर तेजी से उसे तरफ निकल गई जहां की लोकेशन वीडियो में दिखाई दे रही थी। आपकी मम्मा आ रही है आपको बचाने। वही पहाड़ी पर अभी भी अक्षय और वंश के बीच में बहसबाजी चल रही थी। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरी ब्यूटीफुल को तो ये जाने दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। अक्षय मल्होत्रा, अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मेरी बेटी को छोड़ो वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम ये सोच भी नहीं सकते। अक्षय ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे पीछे से पीहू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, वंश राठौर मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अक्षय ने पलट कर देखा तो पीहू अपने लहंगे में ही दौड़ते हुए उस तरफ आ रही थी। पीहू की आवाज सुनकर वंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू जाकर अक्षय के बगल में खड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मेरी बेटी को छोड़ दो। पीहू की बात सुनकर वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था ब्यूटीफुल, क्योंकि अब असली काम जो करना है।
पीहू ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने कोहू की तरफ देखा जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। पीहू ने रोते हुए कहा, कोहू मम्मी आपको कुछ भी नहीं होने देगी। कोहू ने रोते हुए कहा, मम्मी प्लीज आप इस गंदे अंकल से कुछ मत कहो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप हो ना मेरे साथ, डैडी भी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मुझे आप दोनों पर पूरा ट्रस्ट है। कुहू की बात सुनकर पीहू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वंश ने हंसते हुए कहा, अब इस ट्रस्ट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू बहुत जल्दी मरने वाली है और तेरी ये दोनों माँ बाप, जो कि असल में तेरे माँ बाप है, भी नहीं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वंश ने चिल्लाते हुए कहा, ब्यूटीफुल तुम्हें पता है जब हमसे कोई ऐसा इंसान दूर होता है जिससे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तब कैसा लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वंश ने चिल्लाते हुए कहा, आई लव यू ब्यूटीफुल। इतना कहकर वह कुहू को लेकर पहाड़ी से कूद गया। वंश को पहाड़ी से कूदता देखकर पीहू ने चिल्लाते हुए कहा, को वही अक्षय की सांस भी थम गई। उसने भी जोर से चिल्लाया, कोहू।